मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीसी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिससे बीबीसी जैसे संस्था को परेशानी हो रही है, इसलिए वह ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित है, सिद्धांतों मूल्यों पर टिकी है, इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता जैसे कई मूल्य शामिल है। हमने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद इन मूल्यों को और समृद्ध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभर रहा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन भारत की तरक्की से कुछ समूहों को परेशानी हो रही है, इसलिए वह देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीबीसी ने पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं को ही जज नियुक्त कर लिया है और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। ऐसा सिस्टम तो ब्रिटेन में भी नहीं है। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उससे व्यथित मालूम होते हैं, उनको तकलीफ है, कष्ट है, और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गंभीर हमला है, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। बीबीसी ने भारत को बदनाम करने का जो प्रयास किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक असास की संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।